और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। पंजाब में आए दिन नशे के कारण कई नौजवानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार द्वारा नशे पे लगाम लगाने के लिए किए जा रहे दावों की पोल खोलता एक मामला जीरा का है, जहां 50 एकड़ जमीन के मालिक नौजवान की नशे के ओवरडोज के चलते मौत हो गई है। इस विषय में प्रेस को जानकारी देते हुए मृतक व्यक्ति के ससुर और अन्य लोगों ने बताया कि मृतक नौजवान हरमनजोत सिंह, जो कि अपने कुछ दोस्तों के मिलने के लिए गांव मेहर सिंह वाला में आया हुआ था, बीती रात जब वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशा कर रहा था तो नशे की ओवरडोज होने के चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतक के परिवार वालों ने मृतक के दोस्तों पर उसका कत्ल कर देने का इल्जाम लगाया है, और इसी के चलते मृतक के परिवार वालों ने गांव मेहर सिंह वाला के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और दोषियों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करने की मांग भी की। उधर पुलिस ने मृतक के परिवार वालों के बयानों पर 5 व्यक्तियों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन ऋषि शर्मा के साथ सतीश विज की जीरा से रिपोर्ट। सर एक बेनती है सर, 4 साल इस पिंड दे विच मैं मुंडिया दे मगर भजदी रही नशे वालों दे। ए सर भी आए सी, करमजीत सिंह SHO साहब भी आए सी, सेमिनार लगते रहे जिदा खमियाजा ये भुगतना पिया कि ये नशे वाले मुंडे चोरियां करन लग गए, सारा कुछ होया। मैं ओ राह रोके मैं कल्ली कुड़ी ने साडे जाके मंडी दे विच वेखो, साडी मंडी दे विच जा के इत्थों ले जाके चिट्टा टीके लाउंदे रहे। मैं जाके मंडी दे विच रोकिया, कल्ली कुड़ी ने इत्थे अड्डे ते रोकदी रही, पर मेरा किसी ने संजोग नहीं दिता। अज जिन्नी भी पब्लिक आई आ, अज मैनूं सारी पब्लिक दे विचों कोई एक भी बंदा हथ खड़ा करके दसो वी जिस दिन मैं नशे दे खिलाफ डरदी सी मेरे घर वाला भी एक नशे नाल मरिया सी, जिस दिन मैं नशे दे खिलाफ इन्हां पिंडां दे विच रौला पाया दुहाई पाई, उस दिन मेरे नाल 4 बंदे भी रल के नहीं सी तुरे। ते मैं एक गल सोची सी, मैं कहा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक गल लिखी गई है कि कौर नाना औरत नूं बख्शिया गया, ते मैं कल्ली शेरनी आ, मैं हटा के विखाऊं। मेरे पिंड दे विच जाके वेख लो, मेरे घर तों लै के उस पिंड तक ते मेरी मंडी तक अज तक कोई नौजवान आके खड़ जाए, मैनूं इस पिंड दा बेहद अफसोस है, क्योंकि इस पिंड दे विच मेरी दुकान रह चुकी सी जो कि नशेड़ियां ने भन्नी, अज तक नशेड़ियां नहीं मिल सके। ट्रांसफार्मर इस पिंड दे लाए गए, गुरु घर दीआं गोलकां भन्नियां गईआं, जदों कि इह बंदा साडे पहलां तों चोर सी, इन्हां नूं किसे पुलिस मुलाजम ने आके नहीं फड़िया, किसे ने आण के कोई उत्ता नहीं बचिया, किसे ने उत्ता नहीं बचिया। मैं जाके सदर थाने च भी कहिंदी रही, फिरोजपुर जाके मैं डी SSP दे जाके कहा, SPD नूं जाके कहा, मैं उत्थे इन्ना के जाके कहा, अज भी साडी इक मंग आ, क्योंकि इह जिहड़ा फुल अज टाहणी नाल ओह टुट गिआ, इहने कदे वापस आपदे मां प्यो दी बुक्कल च नहीं आउणा। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਸਰ ਮੱਚ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੱਚਣ, ਬਿਨਾ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਬਹਾ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? 5 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਸੂਵਾਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ
ਚੀਜ਼ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ 302 IPC ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਟੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।